हेलो दोस्त, कैसे हैं? सब ठीक ठाक? बढ़िया, चलिए ठीक है। हमारे चैनल द एजुकेशन मंत्रा में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का एक नया अध्याय लेकर आए हैं, जो हर एग्जाम में वनडे के किसी भी एग्जाम में, चाहे सिपाही हुआ या फिर एसएससी हुआ या हाल ही की वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी की है, ठीक, तो इन सब सभी एग्जामों में एक प्रश्न, कितने, सिर्फ एक प्रश्न पूछा जाता है और उस चैप्टर का नाम है आकृतियों की गिनती, यानी फिंगर काउंट, ठीक है। तो इसके अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्न चलते हैं आज ये हम समझेंगे, कितने प्रकार के सवाल बन सकते हैं, कौन से सवाल हो सकते हैं, इन सब जो भी सस्पेंस आपके अंदर है उसके समाधान के लिए एक बार फिर द एजुकेशन मंत्र आप सब लोगों के लिए लेकर ये चैप्टर आई है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि किस फिंगर जो है, मतलब जो हमको आकृतियों की गिनती करना है, जैसे किससे पूछता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा, त्रिभुजों की संख्या पूछ लेता है आपसे, क्या पूछ लेता है, त्रिभुजों की संख्या, ठीक है, त्रिभुजों की संख्या आपसे पूछ लेगा एक प्रश्न, ठीक है। और दूसरा प्रश्न पूछ लेगा वर्गों की संख्या, क्या पूछ लेगा, वर्गों की संख्या ज्ञात करना, कितने वर्ग होंगे, ठीक है। आयतों की संख्या पूछ लेगा, आयत की संख्या पूछ लेगा आपको। इसके अलावा आपसे जो है वृत्तों की संख्या पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा, वृत्तों की सर्किल, यानी वृत्तों की संख्या आपसे पूछेगा। तो ये चार बेसिक चीजें हो गई, त्रिभुजों की संख्या पूछ लिया, त्रिभुज की संख्या पूछ लिया, वर्ग की संख्या पूछ लिया, आयत की संख्या पूछ लिया और वृत्तों की संख्या पूछ लिया, ठीक है। तो ये अलग अलग देकर भी पूछ सकता है, और त्रिभुज और वर्ग एक में मिला के पूछ सकता है, त्रिभुज और आयत एक में मिला के पूछ सकता है, वृत्त और वर्ग मिला के पूछ सकता है, या तीनों को मिला लेगा, चारों को मिला लेगा, ये आपके लिए थोड़ा ट्रिकल होता चला जाएगा। लेकिन हमको बिल्कुल जीरो से पढ़ना है, हमको कहां से पढ़ना है, जीरो से, बिल्कुल बेसिक चीजें पढ़ना है, हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पेशेंस रखिएगा। और जब ये मेरा वीडियो खत्म होगा, ठीक, आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, त्रिभुजों की संख्या हुआ, वर्गों की संख्या हुआ या वृत्तों की संख्या हुआ, सब आपका एक के बाद एक क्लियर होता चला जाएगा। तो सबसे पहले देखिएगा, हम आपको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना आपको सिखाएंगे, ठीक है, कि कितने त्रिभुज हैं। तो पहले सबसे पहले बहुत ही सिंपल तरीके से चलेंगे, और देखिएगा आप भी हमारे कमेंट सेशन में जाके का मतलब बताइएगा क्या उत्तर हो सकता है, और हम आपको प्रश्न भी देंगे। जैसे ये देखिएगा, ये एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, अगर इसमें तो ऐसे प्रश्न तो पूछेगा नहीं, लेकिन कम से कम इतना जानिएगा कि त्रिभुज एक है ये, ठीक है। अब इसी में चलिए हम जो है ऊपर नीचे करते हैं। अब देखिएगा ये, ठीक है, दिख रहा है सभी को आवाज वगैरह, ठीक, ये है एक त्रिभुज। हमने क्या किया, एक बीच से इसको काट दिया और पूछा कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होंगी। तो आप बिल्कुल आसान से कहोगे कि एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, देखिएगा एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया, ठीक है। तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, तीन हो जाएगी। लेकिन ऐसे आपको काउंट नहीं करना है, आपको हमारे तरीके से बिल्कुल विद इन सेकेंड चुटकियों में किस तरह कुल प्रश्न को करना है, देखिएगा ऐसे दिया, इसके बाद जो है यहां से उसने डिवाइड कर दिया और पूछा कुल त्रिभुजों की संख्या, तो आप ऐसे एक और दो नंबरिंग कर लीजिए, ऐसे दो आपने नंबरिंग किया और यहां बगल में ही वन प्लस टू कितना हो गया, थ्री, तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, तीन। पेपर में अगर ऐसे प्रश्न आ गए, बहुत आसान प्रश्न है, तो एक और दो दोनों को जोड़ दिया, कितना हो गया, तीन हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहां देखिएगा ये त्रिभुज और एक है, और यहां पर देखिएगा इस बार हमने जो है एक दो तीन, यानी दो बार मैंने काट दिया इसे, तो कितने हो जाएंगे त्रिभुज, तो आपको एक दो और तीन नंबरिंग कर दीजिए। नंबरिंग करने के बाद मैंने कहा था सभी को जोड़ दीजिए, तो बिल्कुल जोड़ दीजिए, वन प्लस टू
प्लस थ्री तो कितना हो गया, छह हो गया। आ गया उत्तर, बिल्कुल आसान, सेकंडो है। और आप चलिए देखिएगा, एक और त्रिभुज हम आपको दे रहे हैं, ये त्रिभुज, ठीक है। तो देखिएगा, एक दो तीन, ठीक है, मैंने तीन बारी से काटा। अब मैंने पूछा, अब ये सब प्रश्न आपके पेपर से हैं, यहां से शुरू हो रहे हैं। ये तो एक बिल्कुल आपको समझाने का तरीका था, समझाने का आपको तरीका था, प्रश्न यहां से शुरू होंगे, ठीक है। तो यहां देखिएगा कितने त्रिभुज है, तो काउंट करने की कोई जरूरत नहीं है, एक एक त्रिभुज को खोलने की कोई जरूरत नहीं है। हमने क्या बताया, इसको नंबरिंग कर दीजिए, एक दो तीन चार, और सभी को ऐड कर लीजिए। सभी को अगर आप ऐड करेंगे तो उत्तर कमेंट सेशन में दे दीजिए हमें। चार तीन सात दो नौ एक दस, कितना उत्तर हो गया, दस हो गया। चलिए एक और हम दे रहे हैं, एक सेकंड रखिएगा। चलिए ये देखिएगा, ठीक, तो एक चार, इसका उत्तर बताइए कमेंट सेशन में, बिल्कुल फटाफट बता दीजिए। तो बिल्कुल कुछ करना नहीं है, एक दो तीन चार और पांच, सभी को ऐड करने आना है, ठीक है। तो ऐड कैसे करोगे, पांच चार नौ, नौ तीन बारह, बारह दो चौदह एक पंद्रह, उत्तर कितना हो गया आपका, पंद्रह। बिल्कुल आ रहा है ना, बिल्कुल सेकंड में आ रहा कि नहीं आ रहा है। चलिए इसको हम रफ करके फिर इससे थोड़ा और आगे चलते हैं। यहां तक बिल्कुल किसी को डाउट, कोई सस्पेंस, बिल्कुल कमेंट सेशन में जाके टाइप करिए। और एक बार फिर से, अगर जहां कहीं भी दिक्कत हो, देखिएगा बिल्कुल धैर्य रखिएगा, क्योंकि आप लोग भविष्य के आने वाले समय के सिपाही बैच के लिए सिपाही हैं, या फिर और किसी भी एग्जाम के लिए आप पढ़ सकते हैं। त्रिभुजों की संख्या ऐसा नहीं है, ठीक है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए ठीक है, थोड़ा हम इसको और लेंथी करते हैं। तो देखिएगा, एक दो तीन चार पांच, ठीक है, तो इसको चलिए ठीक है और हम काट दे रहे हैं। अब इसमें बताइए त्रिभुजों की संख्या, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमको करना है सिर्फ नंबरिंग, एक दो तीन चार पांच छह और सात, ठीक है। अब देखिए इसको आप जोड़िए, कहीं से भी जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा यहां से जोड़ लीजिए, पांच चार नौ एक दस, पांच पंद्रह, पंद्रह पांच बीस, एक इक्कीस और छह सात अट्ठाईस, उत्तर हो गया कि नहीं आपका बता दे। देखिए जोड़ने के लिए आप कहीं से भी जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं, यहां से भी जोड़ सकते हैं। सात छह तेरह, पांच अठारह, चार बाईस, बाईस तीन पच्चीस और पच्चीस तीन अट्ठाईस, ठीक है ना। तो जोड़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं, जहां से आपको आसान लगे वहां जोड़िए, ठीक है। बिल्कुल देखिएगा, इसको एक फेयर कॉपी बनाइए, और जैसे मैं बता रहा हूं बिल्कुल बेसिक तरीके से आप उसको अपने कॉपी में नोट डाउन करिए, या तो वीडियो को दो तीन बार देख लीजिए, तभी क्लियर आपका हो जाएगा। तो यहां तक तो मुझे लगता है सभी को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें थोड़ा और हम बदलाव करते हैं, इसमें हम क्या बदलाव करेंगे, देखिएगा ऐसे त्रिभुज आपसे दे दिया, ठीक है, ऐसे आपसे त्रिभुज दे दिया, और इसके बाद जो है ऐसे, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया, यहां से बिल्कुल ऐसे काट दिया, और अब आपसे पूछा कुल कितने त्रिभुजों की संख्या होगी, तो कोई दिक्कत नहीं, हम कर ले जाएंगे। सबसे पहले बेसिक तरीका मैंने कहा, क्या कहा था आपसे, कि इसको नंबरिंग करना है, एक दो तीन, एक दो तीन, तो तीन दो पांच एक छह, यहां तक तो छह आ गया। अब देखिएगा इसको काटा कितनी बार गया है, तो एक बार काटा गया है, जितनी बार काटा गया है उससे एक ज्यादा, जितनी बार काटा गया है उससे एक ज्यादा, तो एक बार काटा गया है ना, तो एक बार काटा गया है तो इससे एक ज्यादा कितना होगा, वन प्लस कर दीजिएगा इसी में, तो कितना हो गया दो, और जो ये दो आया इसी में दो से गुणा कर दीजिए, कितना आ गया बारह। तो यहां त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, बारह, ठीक है, बिल्कुल समझ में आया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बिल्कुल देखिएगा यहां एक और हम त्रिभुज आपको दे रहे हैं, और बिल्कुल आप बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, बताइएगा इसको हमने क्या किया, दो बार काट दिया, इसको हमने क्या कर दिया, दो बार काट दिया। अब इसका उत्तर बताइएगा क्या होगा, बताइए, चलिए ठीक है। देखिएगा एक दो तीन, तो हमने सबसे पहले इसको कहा है
कि आपको करना कुछ नहीं है, इसको जो है बिल्कुल नंबरिंग कर देना है। तो तीन दुई पांच एक छह कितना हो गया, छह हो गया ना, छह हुआ कि नहीं हुआ, तीन दुई पांच एक छह। अब हमने कहा था कि कितनी बार काटा गया है, तो एक बार दो बार, एक बार दो बार, आप चाहे तो यहां नंबरिंग कर दीजिए एक बार दो बार, लेकिन मैंने कहा था कि जितनी बार काटा गया उससे एक ज्यादा, तो दो बार काटा गया दो से एक ज्यादा क्या होगा तीन, और उसी तीन का इसी में गुणा कर दीजिए कितना हो गया छेत्री अठारह, उत्तर हो गया कि नहीं हो गया उत्तर अठारह, ठीक है। तो बिल्कुल आ रहा है, विद इन सेकंड आ रहा है, देखिए कहीं कुछ भी जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एक के बाद एक करते चले जाइए। आपका ये चैप्टर यानी फिंगर काउंटिंग आकृतियों की गिनती श्योर है 100% आप सही करेंगे, कहीं कोई गलत होने की संभावना नहीं होगी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत होगी तुरंत बताइएगा। ये है ठीक, बनाते रहिए साथ में। हमने क्या किया, इसको बिल्कुल कई बार इसको काट दिया, और हमने कहा अब देखिएगा एक बार दो बार और तीन बार, ठीक है, हमने इसको काटा और आपसे पूछा अब बताइए त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, क्या बताना है आपको त्रिभुजों की संख्या, इस प्रश्न का बताइएगा उत्तर, त्रिभुजों की संख्या। तो देखिएगा करना कुछ नहीं है, सबसे पहले तो इनका नंबरिंग कर दीजिए एक दो तीन चार पांच और छह, और इनको आराम से जोड़ लीजिए। तो जोड़ना क्या है देखिएगा, जोड़ लीजिए पांच चार नौ, देखिएगा इसको इसको जोड़िए नौ, यहां एक जोड़िए दस, दस पांच पंद्रह छह इक्कीस, ठीक है, देखिएगा छह पांच ग्यारह चार पंद्रह पंद्रह तीन अट्ठारह दो बीस एक इक्कीस, इक्कीस हुआ। अब देखिएगा देखिए कितनी बार ऊपर कटा है, तो एक बार दो बार तीन बार, ठीक है, जब तीन बार कटा तो हमने कहा था एक ज्यादा यानी चार बार, ठीक है, तीन है एक ज्यादा, एक ज्यादा बिल्कुल इसको याद रखिएगा। तो कितना हो गया चार एक क्या चार, चार दुनी आठ, कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई चौरासी। अब देखिएगा जैसे जैसे सवाल लेंदी हो रहा है, ठीक है ना, सिस्टम बदल रहा है, और देखिए अगर इसको हम एक एक करके बेसिक तरीके से करें तो ये पांच सात मिनट में भी नहीं होगा, दस मिनट में भी नहीं होगा, लेकिन अगर आपने ये वीडियो देख लिया और गए पेपर में देखा चुटकियों में विद इन सेकंड आपका उत्तर आपके साथ होगा, क्यों, क्योंकि करने कुछ नहीं है, जैसे इस तरह इन्होंने काट के दिया भैया नंबरिंग इसका करना है ऐड करना है और इसके बाद देखना है कि कितनी बार काटा, एक दो तीन बार काटा, एक ज्यादा चार, चार बार बस इसी में गुणा कर दीजिए, ठीक है। चलिए एक और हम दे रहे हैं आपको, देखिए धैर्य रखिएगा, हम प्रैक्टिस इतना करा देंगे आपको कि आप बिल्कुल गाने की तरह इसको याद रख लेंगे, एक दो तीन चार, चलिए ये हो गया। अब इसको हम काट रहे हैं एक बार दो बार तीन बार, ठीक है, चार बार पांच बार, ठीक है, इसको हम काट दे रहे हैं। अब बताइएगा इसका उत्तर, तो देखिएगा बस उत्तर कोई दिक्कत नहीं है, पहले चीज देखो एक दो तीन चार पांच, यहां नंबरिंग कर दीजिए एक दो तीन चार पांच और छे, तो इसका तो आपको पता होगा इक्कीस होगा, छह पांच ग्यारह चार पंद्रह पंद्रह तीन अट्ठारह दो बीस है इक्कीस। अब यहां देखिएगा गुणे में करना है एक बार दो बार तीन बार चार बार पांच बार, तो पांच से एक ज्यादा मैंने कहा था छह कर दीजिए, तो छह एक के छह छह दुने बारह एक सौ छब्बीस फिंगर हो गया, तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है। चलिए अब थोड़ा और ट्रेंड हम बदलते हैं इसमें, ठीक है, जो लास्ट है इसके बाद त्रिभुजों की संख्या आपसे फिर कभी गलत उलत नहीं होगा, किसी भी पेपर में त्रिभुजों की संख्या आप बिल्कुल गलत नहीं करेंगे, ठीक है ना। देखिएगा अब इसमें हम आपको एक त्रिभुज ऐसे दिए और अभी तक हमने इसको बीच से ही काटा था, लेकिन जब केंद्र से कटेगा तब क्या होगा, जैसे यहां से जब कट जाए सेंट्रल से कट जाए, ठीक है ना, जहां पर डिग्रियां बनती हैं, तो क्या होगा, तो फिर कैसे करोगे, तो थोड़ा सा चेंज है बस, ठीक है। देखिए इस तरह का अगर पूछ रहा है तो कोई चेंज नहीं, एक दो तीन नहीं, ये सात आठ बार दस बार कितनी बार भी काटे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको करना बस यही है कि इसका नंबरिंग करके जोड़ देना है, और इसको जब नंबरिंग करेंगे तो
उसमें प्लस वन करके मल्टीपल कर देना है, यही तो करना है, यही तो बताए हम हैं। चलिए इसमें देखिएगा, इसमें देखिएगा क्या होता है, ये है ठीक है, तो ये है, तो इसमें देखिएगा एक तो ये हो गया और एक ये हो गया ठीक है, एक ये एक ये, यानी अगर इसको हटा दिया जाए तो कितना रहेगा, तो भी तो आपका एक और दो, यानी कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तीन होगी। हमने कहा था आपका ये देखिए केंद्र से गया है, तो कितनी बार केंद्र से गया है ठीक है, तो कितनी बार केंद्र से गया है, तो एक बार गया है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसके पहले मैंने आपसे कहा था कि ये वाला काउंट कर लीजिएगा और एक जो है एक इसमें जो है ऐड कर लीजिएगा और उसी से क्या कर दीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा ठीक है। और इसमें क्या होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें देखिएगा जब भी केंद्र से जाता है, एक सेकंड रुकिएगा, जब भी केंद्र से जाएगा तो हमको जो है बस ये जो है मतलब इसमें देखिएगा एक का दो से गुणा करेंगे ठीक है ना, दो से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक है दो से गुणा करेंगे तो छह आ जाए, और प्लस इसमें एक और एक दो और ऐड कर दीजिएगा, बस इतना आप करना है। हम कल की क्लास में इसी से आगे शुरू करेंगे, तो हमारे साथ बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।